निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। अंडमान लॉ कॉलेज में जो इशू चल रहा है, जिसमें जो है हमने पहले भी दो स्टोरीज जो है वो डाल दी थी। एक स्टोरी में जो है एक जो एनजीओ है सैल्यूट तिरंगा ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक प्रोफेसर के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे, जो आरोप जो है एबीवीपी के लेटर के ऊपर बेस था। और प्रोफेसर के ऊपर आरोप ये था कि उन्होंने जो है क्लास के दौरान स्टूडेंट्स के सामने जो है मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही साथ कुछ और आरोप भी थे। और उसके बाद जो है लॉ कॉलेज की कुछ स्टूडेंट्स का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया और कहा कि उनके जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो जो है टोटली निर्दोष है और उनका कोई भी दोष नहीं है, और वो पढ़ाने के समय जो है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इस तरह का एग्जाम्पल दे रहे थे। आज जो है एबीवीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक ऑडियो रिलीज़ किया। जो ऑडियो हमने आपको पहले सुनाया था उस असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिन्होंने मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया था क्लास के दौरान, उसी ऑडियो का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो पहले आप ही ऑडियो सुनिए और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखिए। Democracy have given you power for saying this, this what you slogans and all. Sir, nowadays politicians are not of good minded, sir. Not of good minded. If you will give nara and all, maybe some next day, Bhagwan na kare, aapko murder order kar diya to. You tell me in Tamil so that I can understand. Sir, ipo neenga andolan pandringala, sir. Andolan pandra. Siriya. இப்போ எல்லா பொலிட்டிஷனும் ஒரு மாதிரி இல்லை சார். இப்போ நீங்கள் மட்டும் பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்த நாள் உங்களை கொலை கொலை பண்ணிடலாம் சார். capacity to protect myself agar bhagwan na kare aapko bhagwan ke vaan matlab theek hai theek hai okay aap jo karte ho apne se kya matlab bhagwan ka saath hai bhagwan hai bhagwan ka upar jayega aapne hi matlab bhagwan ka upar jayega aap to bol rahe hain sorry aap to kya matlab sir aap to bhagwan ke upar mante nahi aap to bhagwan ke upar mante nahi Thank you.
सभी को नमस्कार। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप सभी मीडिया कर्मियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिद्धांत राय शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पोर्ट ब्लेयर नगर का सेक्रेटरी। हमारे साथ उपस्थित है श्री सीमा कुमारी जी, पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सेक्रेटरी और वर्तमान में छात्रा प्रमुख। साथ ही हमारे बीच उपस्थित है श्री इत्तर सिंह जी, इत्तर सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पोर्ट ब्लेयर नगर के जॉइंट सेक्रेटरी है। विराज जी हमारे साथ उपस्थित है, हमारे मीडिया प्रभारी। सत्यजीत हलदार सह संयोजक, शरण शिवाजी अंडमान लॉ कॉलेज के छात्र हैं, एवं मुकिंद राव जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऑफिस सेक्रेटरी। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम अंडमान लॉ कॉलेज में जो वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है इस विषय में रखे हैं। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि हमें मीडिया के सामने इस इशू को लेकर आना पड़ रहा है। हम जिस प्रकार से अंडमान लॉ कॉलेज के जो प्रोफेसर है जिसने मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाया था, हमने इस मुद्दे को बिना किसी पब्लिसिटी या बिना किसी कैंपेनिंग के चलाने का सोचा था कि ताकि जल्द से जल्द उनके ऊपर में कुछ ना कुछ एक्शन हो और एडमिनिस्ट्रेशन खुद से इस मुद्दे को डील करे। क्योंकि हमें कॉलेज, जो कि एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है अंडमान लॉ कॉलेज, इस कॉलेज के रेप्यूटेशन और बाकी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, इन सभी विषयों की चिंता थी। मगर सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि जो अभी परिस्थिति बनी हुई है, हमें मीडिया कर्मियों के आप सबके सामने पूरे मुद्दे को लेकर आना पड़ा। तो मैं शुरू करूँगा। अंडमान लॉ कॉलेज में जो प्रोफेसर है, जो जिनका नाम आप सभी को विदित है, एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने मोदी मुर्दाबाद का नारा अपने लेक्चर्स के दौरान लगाया। उस वीडियो को अगर आप अच्छे से सुनेंगे, उसमें उन्होंने दो बार मोदी मुर्दाबाद कहा है। और उसके बाद स्टूडेंट्स के रिटेलिएशन के बाद एक स्टूडेंट्स उसमें से बोलती है कि क्यों मोदी, क्यों मुर्दाबाद, क्यों मुर्दाबाद। दो बार स्टूडेंट इस बात को बोलती है, उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। ठीक है, चलिए, उन्होंने ये बात लेक्चर्स के बीच में कही। अभी सवाल ये उठता है, क्या एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो प्रोफेसर है, क्या इस तरह की बात वो अपने लेक्चर्स में क्या कर सकता है क्या? मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद का अर्थ क्या है? मुर्दाबाद का यही अर्थ है कि मर जाओ।
एक संविधानिक पोस्ट में अगर कोई व्यक्ति है, प्रधानमंत्री जैसा वो पद है, उस पद के व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुन करके आया हुआ है, पूरे राष्ट्र में राष्ट्र ने जिनको चुना है, उस पद के लिए पद में जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए वह मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगवाते हैं और स्टूडेंट को कहते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। क्या आप अंडमान लॉ कॉलेज में अपना पर्सनल ओपिनियन देने के लिए एज अ लेक्चरर आप बैठे हुए हैं क्या? क्या आप लेक्चर्स के माध्यम से अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने के लिए कॉलेज में आते हैं क्या? ये सवाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधे सीधे तौर पे उनसे पूछता है और कॉलेज प्रशासन से पूछता है। और इसके साथ ही जो अभी कॉलेज की जो स्थिति है वो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स आए मीडिया के सामने और उन्होंने ये पूरा विषय अपने एंगल से रखा, मगर यहाँ पे स्टूडेंट्स का एंगल, स्टूडेंट्स का ओपिनियन का पूरा विषय है ही नहीं, क्योंकि हम अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो पूरा कंप्लीट ऑडियो था, 6 मिनट 11 सेकंड का ऑडियो है और जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो 52 सेकंड्स का ऑडियो है। उस पूरे ऑडियो को हम सभी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, आप सभी के सामने उस ऑडियो को रखेंगे जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर मुद्दा स्टूडेंट्स का ओपिनियन का नहीं है, मुद्दा ये है कि ऑडियो में उन्होंने ऐसा कहा है, और चेक ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स क्या मानते हैं, ये नहीं होना चाहिए, चेक ये होना चाहिए क्या ऑडियो सही है या नहीं है। और अगर ऑडियो सही है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन प्रोफेसर के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की का डिमांड करती है। और हमने अभी तक क्या स्टेप लिया इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। जैसे ही हमारे संज्ञान में ये मुद्दा आया और कि उन्होंने इस प्रकार का नारा लगाया है, 21 अगस्त को मेरे संज्ञान में ये मुद्दा आया, अगले ही दिन मैंने एक कंप्लेन लेटर दिया प्रिंसिपल सर को और अंडमान निकोबार प्रशासन के आला अधिकारियों को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ये पूरा मुद्दा उन तक पहुँचाया। उसके साथ ही हमने एक FIR भी फाइल किया है और उस FIR फाइल करने का मकसद ये है कि हर दिशा से इस मुद्दे को प्रशासन सीरियसली ले, क्योंकि अभी तक हमें कुछ रोशनी की किरण नहीं दिख रही है कि प्रशासन कुछ ना कुछ करे इस मुद्दे में। इसके साथ ही जब हमने प्रिंसिपल सर से बात किया कॉलेज का, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वो एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म करेंगे और उस कमेटी का मकसद होगा कि इस पूरे विषय को टटोले। तो इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हुआ जैसे हमारे सूत्रों से पता चला है और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी, मगर हम इस पैनल के माध्यम से और आप सभी मीडिया कर्मियों के सामने ये उजागर करना चाहते हैं कि ये इंक्वायरी कमेटी पूरी तरीके से बायस्ड है। इस इंक्वायरी कमेटी में जितने भी लोग कमेटी के मेंबर हैं, जितने भी लोग इस कमेटी में बैठे हुए हैं, वो सभी उस प्रोफेसर के कलीग्स हैं, अंडमान लॉ कॉलेज के ही प्रोफेसर्स हैं। ना तो एनिलस जो अंडमान लॉ कॉलेज का सोसाइटी है, ना तो उससे कोई मेंबर उस कमेटी में शामिल है, ना तो कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी में शामिल है, ना तो कोई सोशल वर्कर, क्योंकि कभी भी इस तरह का कोई भी कमेटी बनता है तो कोई ना कोई आउटसाइडर एक न्यूट्रल पर्सन के रूप में उसमें होना चाहिए, कोई ना कोई सोशल वर्कर उसमें शामिल होना चाहिए, या तो कोई दूसरे कॉलेज का जो लर्नर्ड फैकल्टी है वो शामिल होना चाहिए, मगर ऐसे कोई भी व्यक्ति उस कमेटी में नहीं दिखते। तो साफ साफ तौर से उस कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी वो प्राइमा फीसिया वह रिपोर्ट बायस्ड ही कहलाई जाएगी। और जैसे कि हमें अपने सूत्रों से पता चला है, कमेटी ने सभी, क्योंकि जब ये घटना हुआ था उस समय के सेकेंड ईयर में हुआ था, सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चनरी सौंपा था और उसमें उनका ओपिनियन शेयर करने के लिए कहा था, मगर यहाँ पे स्टूडेंट्स ओपिनियन की बात ही नहीं है, क्योंकि जब हम कॉलेज की बात करते हैं, जब हम कॉलेज में हुए किसी घटना की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ओपिनियंस में ही डिफ़र करते हैं, उसे हम प्राइमरी सोर्स के रूप में नहीं देख सकते। प्राइमरी सोर्स यहाँ पे है ऑडियो सही है या नहीं है, ऑडियो में उनका आवाज़ है या नहीं है, इसकी जाँच होनी चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम जो कुछ स्टूडेंट्स आए थे मीडिया के सामने, उसमें एक स्टूडेंट ने कहा था कि हमारे प्रोफेसर जो है वो फेल होते हुए, जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं उनको भी 2 मार्क्स दे करके उनको पास कर देते।
इसी से हम समझ सकते हैं कि कितना अनड्यू इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स के ऊपर में है। ये प्रोफेसर स्टूडेंट्स को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मेरे वक्तव्य के बाद अभी उस क्लास में जो हमारे स्टूडेंट्स थे सत्यजीत और शरण शिवा, ये आपको और भी डिटेल में इस विषय के ऊपर में बताएंगे कि उनका किस किस प्रकार के विषयों में वो चर्चा करते थे क्लास में। क्योंकि केवल एक मोदी मुर्दाबाद का विषय हमने इसीलिए उठाया है क्योंकि केवल इस विषय का प्रूफ हमारे पास है और ऑडियो हमारे हाथों में है। मगर सांप्रदायिक मुद्दों पर चर्चा करना, जो मुद्दे सुलझ चुके हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे सुलझ चुके हैं जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा, इन सभी मुद्दों पर स्टूडेंट्स को कुछ अलग एंगल से भड़काना, इस तरह के बातों में और फिर कुछ कुछ खान पान के विषयों में जो किसी धार्मिक संप्रदाय को ठेस पहुंचा सकती है, इस प्रकार के विषयों में वो अपने लेक्चर्स के दौरान चर्चा करते थे। मैं यहाँ पे साफ साफ कॉलेज प्रशासन से और उस प्रोफेसर से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कॉलेजों को JNU बनाना चाहते हैं? क्या आप अंडमान निकोबार में स्टूडेंट्स के माध्यम से कुछ भ्रम फैलाना चाहते हैं? हम राजनीति नहीं करते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरी तरीके से गैर राजनीतिक संगठन है और राजनीति में हमें कोई रुचि भी नहीं है। मगर पॉलिटिकल साइंस के विषय के नाम पे अगर कोई पॉलिटिक्स करेगा स्टूडेंट्स के नाम स्टूडेंट्स के साथ, तो तब हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर आपको क्रिटिसिज्म ही करना है तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करिए, आप मुद्दों पर चर्चा करिए कि राष्ट्र में क्या मुद्दे हैं, देश भर में क्या मुद्दे चल रहे हैं, गवर्नमेंट उनको कैसे डील कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। आप एक मवाली जैसे सड़क में किसी दंगे फसाद के दौरान मुर्दाबाद का नारा लगाता है, इस प्रकार से आप स्टूडेंट्स के बीच में बात करेंगे तो ये बिल्कुल भी असहनीय बात है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जब स्टूडेंट्स के साथ इस प्रकार का चर्चा होता है तो उनके मन में इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। और साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज का माहौल अभी ख़राब कर रहे हैं, जो उसी क्लास के अभी जो शरण शिवा आपको बताएंगे मेरे वक्तव्य के बाद। मैं इसके साथ ही आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कमेटी फॉर्म हुई है वो कमेटी का रिपोर्ट हम स्वीकार नहीं करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट जब आ जाएगा उसे देखने के बाद हम उसे इस निष्कर्ष पर आएंगे कि उसे किस प्रकार से लिया जाएगा। साथ ही हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस प्रोफेसर के ऊपर में कुछ ना कुछ कार्रवाई हो और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये डिमांड करेंगे कि आप इस विषय को गंभीरता से लें और कॉलेज में कॉलेज का माहौल अच्छा बना रहे और कभी भी किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स, किसी भी प्रकार की राजनीति कॉलेज में ना हो, इस विषय पर आप गंभीरता से सोचें और इन प्रोफेसर के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसे कि ये राजनीतिक विषयों पे चर्चा करते हैं, मैं एक साधारण सी बात आप सभी के सामने बोल करके अपना वक्तव्य पूरा करूँगा। अंडमान का जो एनवायरनमेंट है ये इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो पॉलिटिक्स है ये इतना बेहतर पॉलिटिक्स है, मैं देखता हूँ कि यहाँ में जो राजनेता है वो जब सवेरे अपने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, जब मीडिया के सामने आते हैं तब वो कम्प्लीटली प्रोफेशनल होते हैं, मगर जब शाम होता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न जो चाय दुकान वगैरह हैं वहाँ पे ऐसे ही मिलते हैं जैसे कि दो दोस्त मिल रहे हैं। इतने अच्छे स्थिति में, इतने अच्छे राजनीतिक परिवेश में जो अंडमान में है, यहाँ पे इस प्रकार के लोग जो अर्बन नक्सल्स प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार के लोग स्टूडेंट्स के माध्यम से भ्रम फैलाते हैं और स्टूडेंट्स इनके बहकावे में आ जाते हैं। मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से अंडमान लॉ कॉलेज के सभी छात्रों को ये अपील करूंगा कि आप किसी भी बहकावे में ना आए, कॉलेज में राजनीति ना करें और कॉलेज में इस तरह के जो माहौल है इसको इग्नोर करते हुए अपने स्टडीज़ में फोकस करें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद अंडमान लॉ कॉलेज में अभी तक विभिन्न मुद्दों को लेकर के सामने आया है। जब हमारे जो पहले प्रिंसिपल थे सौंदर पांडियन सर, उस समय उन जो तबके तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थे जितेंद्र नारायण जी, उन्होंने उनका इंसल्ट किया था जिसके कारण वो रेजिग्नेशन दे करके चले गए थे, तब पूरे अंडमान निकोबार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही केवल उस तानाशाह रूपी CS के सामने विरोध करते हुए आया था पहली बार। और
कॉलेज का स्टाइफन का मुद्दा हो, कॉलेज में प्रोफेसर्स की कमी का मुद्दा हो, विद्यार्थी परिषद इन सभी मुद्दों को बहुत ही पॉजिटिवली लेकर के सामने आया है। मगर जब इस प्रकार का एनवायरनमेंट कॉलेज में क्रिएट होता है तो वो असहनीय है, और इसे भी विद्यार्थी परिषद बहुत ही ज़ोरों शोरों से उठाता रहेगा और ये मांग को लेकर के आगे बढ़ता रहेगा। अब मैं सत्यजीत से ये आग्रह करता हूँ कि वे कॉलेज की क्या स्थिति है और ये पूरा मुद्दा असल में क्लास लेवल में क्या है उसे आप सबके सामने रखें। धन्यवाद जी, सबको मेरा नमस्कार। जब ये ऑडियो हुआ है मैं उसी क्लास में पढ़ता हूँ और उसी क्लास में उपस्थित था। ये ऑडियो सर ने एक बार नहीं कहा था, ये लगातार उनका एक दिन नहीं कि एक दिन उन्होंने कमेंट कर दिया जी हम प्राइम मिनिस्टर को ऊपर। ये हर वक्त का उनका मतलब रवैया रहा है कि गलत गलत टिप्पणियाँ करना एवं कुछ कुछ मतलब गलत गलत हमारे संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर कुछ कुछ मतलब गलत गलत टिप्पणियाँ करना। जैसे कि हमें एक दिन वो लेक्चर के दौरान, क्लास के दौरान ही हर चीज़ बोलते हैं, लेक्चर के दौरान ये बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन हिंदू उन लोग की गाय को काटते हैं, उन लोग की सब कुछ करते हैं, पर उन लोग ये दिखा रहे हैं कि पब्लिकली ये दिखाते हैं कि हमारे हिंदू है उन लोग की गाय को रक्षक करते हैं। फिर हमें एक दिन ये भी बोल लेक्चर के दौरान बोल रहे हैं कि आप भी एक बार गाय का मांस खा के देखें, हम भी खाते हैं, ये भी फूड हैबिट हमारे फूड हैबिट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर हमारे भारतीय संस्कृति में हम सभी जानते हैं कि हम तिलक लगाते हैं, कलावा का प्रयोग करते हैं, इस पर भी उनका गलत गलत टिप्पणियाँ हुआ है। और मेरे मित्र शरण शिवा जैसे उनका इस बात पर आर्गुमेंट भी हो चुका है, वो आपको विस्तार से बोलेंगे। फिर आप सभी को जैसा पता है कि राम मंदिर का मुद्दा जो सुलझ चुका है, जो मुद्दा एकदम सुलझ चुका है कोर्ट के दौरान जो हो चुका है, पर उस मैटर में वो बोल रहे हैं कि हमारे जो राम भगवान है वो मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमारे क्लास में भी वो मतलब एक टर्म यूज़ करते हैं गोदी मीडिया, मतलब एक इंटेंशनली हमेशा वो मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये करेंगे और हमारे संस्कृति के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ करते रहते हैं। और बाकी हमारे शरण शिवा जी आगे का बोलेंगे। नमस्कार, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी को मेरे नमस्कार। मैं वी शरण शिवा अंडमान लॉ कॉलेज थर्ड ईयर का स्टूडेंट। आप पिछले एक हफ्ते से जो ऑडियो सुन रहे हैं कुछ सेकंड्स की, वो ऑडियो मैंने रिकॉर्ड की थी क्लास के दौरान, और मैं हर क्लास का ऑडियो जो हूँ रिकॉर्ड करता हूँ ओनली फॉर स्टडी पर्पस। पूरे क्लास का दौरान मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और हमारा क्लास एक घंटा की होती है। लगभग मेरा जो रिकॉर्डिंग करता हूँ लगभग एक घंटा या उससे 10-15 मिनट कम की रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, और जो भी रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं ओनली फॉर स्टडी पर्पस से करता हूँ। और जो भी मेरे कुछ मित्र एब्सेंट हो जाते हैं या कोई नहीं लिख पाते हैं क्लास में नोट्स जो होते हैं उनको, वो जब मुझसे पूछते हैं तो ही मैं उसको शेयर करता हूँ, और ऐसे ही इंटेंशन से कि ताकि वो अपना नोट्स कंप्लीट कर सके, आगे पढ़ सके। तो मैंने अपना जो रिकॉर्डिंग की थी उस ऑडियो को मैंने शेयर किया था मेरे मित्रों को जो भी मेरे क्लास में पढ़ते हैं, और मेरे ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था कि ऐसा कोई सर को अपना पर्सनली दुश्मनी निकाल लें। जैसे कि मेरे क्लासमेट सत्यजीत ने कहा था कि मेरे और सर के बीच में बहुत बार आर्गुमेंट हुई थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि आर्गुमेंट हुई थी, मैंने ही उस सर का बात का रिकॉर्डिंग किया था। तो अब बात ऐसा आ चुकी है क्योंकि सर के साथ मेरी आर्गुमेंट हुई बहुत सर क्लास में, सबके सामने मेरे और सर के बीच आर्गुमेंट होती रहती है, और मेरा और सर के बीच में ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी कभी भी नहीं थी कि मैं सर को ऐसा दुश्मनी निकालने के लिए ये वीडियो या जो रिकॉर्डिंग है वो रिलीज़ करो। मेरा सिर्फ इंटेंशन सर से यही था, क्योंकि ओपिनियन सबके अलग अलग होती है, सर का ओपिनियन और मेरा ओपिनियन नहीं मिलती, कभी कभार हमारा बीच में क्लैशेस हो जाती है। तो क्लास में सबके सामने मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ और उसके गवाही सभी क्लास मेंबर्स है, अब वो माने या ना माने वो मैं नहीं बोल सकता। और रही बात अभी जो अब मुद्दे चल रहा है हमारा कॉलेज में, जो सिचुएशन अभी हो चुकी है, अभी स्टूडेंट बढ़ चुके हैं कुछ जो सर के साथ है और कुछ जो ABVP के साथ हो गए, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो न्यूट्रल खड़े हैं। अब माहौल किसका ख़राब हो रहा है? माहौल ख़राब हो रहा है कॉलेज का, नाम बदनाम हो रहा है कॉलेज का। अब नुकसान किसका हो रहा है? अभी जो भी जजमेंट आएगा सर का हित में आएगा, नहीं उसे खिलाफ में आएगा। अब नुकसान किसका ज़्यादा हो रहा है? स्टूडेंट का हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारा क्लासेस भी ठीक से नहीं चल रहा है
एक मुद्दे के कारण और कॉलेज का माहौल बहुत ख़राब है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव मैनर में जो भी मुद्दा है वो बहुत जल्दी ठीक हो और जो भी हमारा जो क्लासेस है वो जल्दी शुरू हो और बहुत अच्छे से हमारे क्लासेस चले और हमारे जो भी आगे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जो भी पढ़ते हैं उनका भी इसमें जो भी बातें हैं वो इस मैटर के साथ ही ख़त्म हो जाए ताकि इस मैटर को जो जब सॉल्व हो जाए कि मैटर ये मैटर आगे ना बढ़ पाए। और हमारे जो भी सर है उसे सभी स्वीकार करना चाहिए भले वो सर का खिलाफ में आए या सर के हित में आए। और मेरा सिर्फ यही सोच है कि जो भी मैटर है वो जल्दी सॉल्व हो और कॉलेज के सारे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। नमस्कार। जैसे कि अनुमान लॉ कॉलेज में जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में हमारे सभी मित्रगण ने बात की है जो कि स्लोगन्स मोदी मुर्दाबाद से शुरू होता है और यह विषय उस ऑडियो से निकलता है। तत्पश्चात हमें विभिन्न मुद्दे पता चलते हैं जैसे कि वो फुल्ली मतलब कम्युनल वायलेंस की बात करते हैं कि कैसे जो शांति बनी हुई है अंडमान में वो भंग हो और उस विषय पे क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे होते हैं वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होते उनकी आइडियोलॉजी बनी रही होती है। अगर वैसे स्थिति में कोई लगातार उनकी उनकी मानसिक स्थिति को भटका रहा हो और ऐसे उनको एक हिंसा करने के लिए उत्साहित कर रहे हो अपने कल्चर को बुरा भला करना अगर आप तिलक लगाते हैं या हाथ में कलावा पहनते हैं तो उसकी बुराई करना। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी एक नॉमिनल हेड है इंडिया के वर्ल्ड लीडर उनको कहा जाता है उनको नाम लेकर क्लासेस में बार बार उनके उनके मुर्दाबाद का स्लोगन लगाना ये सभी क्योंकि हम राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं और हम सोचते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ऑब्जेक्ट है। तो हम इस सभी बातों का निंदा करते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं हमें भारतीय परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। भारत के जो संविधान है उसमें भी लिखा है अंडर आर्टिकल 25-28 कि हम अपने रिलीजियस जो हमारे अफेयर्स हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं हमारा जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको हम चला सकते हैं। कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बात क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हैं तो उनके खिलाफ अगर मुर्दाबाद जैसे स्लोगन्स आप ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में बोल रहे हैं वो स्टूडेंट्स के माइंडसेट को इफेक्ट करता है जो कि अंडर आर्टिकल 19(2) प्रोहिबिटेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस तो है ये सभी को पता है बट वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही है। ये बात प्रोफेसर्स को तो पता होनी ही चाहिए उन्होंने PhD किया है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस पे तो उनको ये बात को की तो खबर होगी ही। इन सभी बातों को जानते हुए भी वो बच्चों की मानसिकता को भड़का रहे हैं क्योंकि उनकी मानसिकता ही यही है जो शांत माहौल है उसको ख़राब करना जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको नाम लेकर क्रिटिसाइज़ करना। आप एग्जांपल में बिना नाम लिए भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं हमने भी पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस किए हैं बट हमारे कोई टीचर नहीं थे जिन्होंने कोई भी चाहे अभी के प्राइम मिनिस्टर हो या पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व के कोई भी नेता का नाम लेकर हमें क्रिटिसाइज़ किया हो। सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं मुर्दाबाद के स्लोगन्स लगाना जो एक बहुत बड़ी हिंसा होती है तब ऐसे स्लोगन्स लगते हैं वो आप शांत माहौल में लगा रहे हो बच्चों की मानसिकता को बिगाड़ रहे हो। तो ऐसे प्रोफेसर्स के ऊपर तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही चाहती है कि कार्यवाही हो और उनको जो है वो असिस्टेंट जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में वो एज ए लेक्चरर अंडमान लॉ कॉलेज में काम करते हो उनको वहाँ से निकाला जाए। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्म भी अचानक 3 साल कैसे बढ़ गया नहीं पता। हम मानते हैं कि लॉ कॉलेज में प्रोफेसर्स की कमी है बट हमें ऐसे प्रोफेसर्स चाहिए जो अंडमान में हिंसा को नहीं भड़काए अंडमान में राष्ट्रवाद को बढ़ाए और उसके साथ साथ अंडमान के जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनके मस्तिष्क में उनके मन में राष्ट्रहित को पैदा करें राष्ट्र के लिए क्या काम कर सकते हैं आप वो चीज़ करें ताकि राष्ट्र के विकास में हम अपना योगदान दे सकें। ऐसी अगर ऐसे कम्युनल वायलेंस जैसे टॉपिक्स पढ़ाई होंगे तो आगे वो बच्चे जाके अपने राष्ट्र के विकास के लिए काम नहीं करेंगे वो ऐसे ही मुद्दों में भटके रहेंगे उनका मानसिक विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा वो अपने कल्चर को ही फॉलो नहीं करेंगे। और जो कंट्री अपने कल्चर को फॉलो नहीं करके आगे बढ़ता है उनकी स्थिति कैसी होती है आज हम दूसरे कंट्रीज़ के एग्जांपल से देख सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते क्या
अगर आपको स्लोगन्स लगाने हैं अननोन नाम से लगाइए, ऐसी लगाइए कि दूसरे लेक्चर्स भी तो पढ़ाते हैं ना पॉलिटिकल साइंस। मैं खुद लॉ कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, हमारे टाइम में भी हमने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, कभी वो लेक्चरर ने कभी ऐसा नहीं कहा। बट ये सर जब से आए हैं तब से लगातार ऐसे ही क्लासेस में जो है वो बातें रख रही हैं। तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से अरनमा लॉ कॉलेज प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि जो वो प्रोफेसर हैं उनके अरनमा लॉ कॉलेज के लेक्चरर के पद से उनको हटाएँ, कोई अच्छे प्रोफेसर को लाएँ जो राष्ट्रहित की बातें को रखें। दूसरा, जो अभी कमिटी बैठाई गई है उसका पुनर्गठन हो, कमिटी में फेयर लोग रहे जो अंडमान लॉ कॉलेज के साथ साथ सोशल वर्कर्स और दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी वहाँ लोग आएँ। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ ऐसे मुद्दों को वीडियो बना के वायरल नहीं करते, जो कि इससे पहले कुछ लोगों ने उस पर कमेंट्स किया था। हम अंडमान लॉ कॉलेज के शुरुआत से लेकर अभी तक के सारे मुद्दे पर हमने काम किया है। अंडमान लॉ कॉलेज जब था नहीं तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही थी जो अंडमान में लॉ कॉलेज जैसे कॉलेजेस आए उसकी डिमांड की थी। और जब लॉ कॉलेज आया तो लॉ कॉलेज का परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, परमानेंट बिल्डिंग हो, फैकल्टीज बराबर हो, प्रिंसिपल परमानेंट हो, इसकी डिमांड लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रही है। और जिसका परिणाम है कि हम देखने को देख सकते हैं कि लैंड अलॉटमेंट जैसी बात ऐसे हमारे प्रिंसिपल सर से हमें सुनने को मिली है। 6 साल हुआ है लॉ कॉलेज को बना हुआ, 6 सालों में थोड़ी बहुत प्रगति हुई और लॉ कॉलेज का जो आज यहाँ पे है उसमें कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक मांग थी जो पूरी हुई है। हम अंडमान में डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहते हैं ताकि हर क्षेत्र के लोग अंडमान के विकास के लिए काम करें, हर क्षेत्र की जानकारी अंडमान के बच्चों के पास हो, अंडमान के यूथ के पास हो, ताकि हम अंडमान का विकास कर भारत का विकास करें। तो इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़ी शब्दों में यह अंडमान लॉ कॉलेज के प्रशासन से कहती है कि ऐसे प्रोफेसर को तुरंत जो है वो लेक्चरर के पोस्ट से हटाएं और अच्छे प्रोफेसर जल्दी से जल्दी लॉ कॉलेज में लाएं ताकि बच्चों के जो क्लासेस हैं वो पूरी तरीके से उन्हें क्लासेस वो अटेंड कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई बर्बाद ना जाए और वो अपना अच्छा भविष्य का निर्माण कर सके। धन्यवाद। अभी अगर आप सभी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कट हो जाएगा भी? तो सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया था, आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो उस दिन आप लोगों के ऑपोजिशन में आए थे और कहा था कि ये जो मुद्दा है पूरा ही मतलब झूठ है, नॉट, उन्होंने कहा कि ये पूरा 1-1.5 घंटा का ऑडियो रिकॉर्डिंग है और आपने भी एक्सेप्ट किया कि आप जो है पूरी क्लास का ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब जो पूरा क्लास होता है ताकि आप उसको पढ़ सकें। तो अब सिर्फ 6 मिनट का ही ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास क्यों है, मतलब पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है अभी आपके पास? सर जी, जैसे कि मैंने कहा था, अभी भी कहता हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने की थी और पूरा क्लास ही की थी। और रिकॉर्डिंग कब करी थी? 3rd सेमेस्टर में करी थी और अब मैं 5th सेमेस्टर आ चुका हूँ और 3rd सेमेस्टर में मैंने शेयर किया था ऑडियो। और जब पूरा ही शेयर किया जाता है और अभी किसको क्या पता कि कोई भी स्टोरेज के लिए कुछ भी कर सकता है। और मेरा पास अभी अब ऑडियो पूछने से भी मेरे पास ऑडियो उपलब्ध नहीं है क्योंकि इतना मैंने बात मैं ऑडियो नहीं रखता हूँ। और जैसे कि कुछ लोगों ने कहा था, ऐसे भी बोले थे कि ऑडियो पूछे भी गए थे, मगर मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि इतना दिन हो चुका है तो मैं ऑडियो नहीं रखता हूँ। और ऑडियो मैंने एक घंटा लगभग की पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग की थी और मैंने उतनी ऑडियो शेयर भी किया था और आगे जो भी टर्मिनेट हुआ वो सामने वाले को, क्योंकि आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग किया था। अब ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है तो ये सवाल आपसे करना ज़रूरी है कि जो पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग था, क्या अगर उसको लोग सुने तो उनका ओपिनियन क्या चेंज होगा, जो ओपिनियन अभी फॉर्म हो रहा है उस छोटे से पार्ट को सुनने पे, या जो ओपिनियन सेम रहेगा उनका? सर जी, जो अभी देखिए ओपिनियन अभी जो साथ में है उनका तो सर के साथ वाला ओपिनियन है। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर पूरा जो 1-1.5 घंटा का ऑडियो रिकॉर्डिंग हो वो कोई सुने, अब क्या ओपिनियन फॉर्म हो रहा है? अब जो छोटा सा कुछ सेकंड्स का जो ऑडियो है उसको सुनने पे ऐसा लग रहा है कि वो मोदी मुर्दाबाद के जो है नारे लगा रहे हैं एंड ऑल। अगर पूरा जो ऑडियो है 1 घंटा का, अगर पूरा क्लास को ऑडियो कोई सुने तो क्या कुछ दूसरा पिक्चर सामने आएगा? क्या उसमें दूसरा पॉलिटिकल लीडर्स का नाम सामने आएगा या कुछ ऐसा आएगा जिससे ये पता चलेगा कि वो क्लास जो है जेन्युइन तरीके से ले रहे थे? आपको क्या लगता है? सर, ओपिनियन सेम हो सकता है सर, क्योंकि जैसे कि पूरा ऑडियो सुनेंगे और मैक्सिमम जन का ओपिनियन सेम हो सकता है। अब
जैसे कि पहले जब कॉन्फ्रेंस हुआ था लोगों ने कहा था कि ओपिनियन, सबका ओपिनियन अलग अलग होता, क्या पता कि पूरा ऑडियो सुनने के बाद किसी का ओपिनियन चेंज हो जाए, कुछ लोग हमारे साथ आ जाए, जो हमारे साथ उनके साथ चले जाए, और मगर मैक्सिमम मुझे लग रहा है ओपिनियन सेम हो सकता है। तो सर आप भी सेम क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपने कहा कि जो है भड़काऊ बातें होती है क्लास में और जो है आपको कुछ अटपटा सा सिखाने की मतलब कोशिश होती है, जो कि जो सॉल्व मैटर्स हैं उनको भी जो है उठाने की कोशिश होती है, तो ये कितना ऑफन होता है, क्या एक क्लास में, दो क्लास में होता है, या पूरा ही आपका जो सेमेस्टर था जिसमें आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा उसमें कुछ ऐसा कोशिश किया गया कि आपका जो है ओपिनियन जो नेशनल मैटर्स जो सॉल्व हो गए उसमें चेंज हो, या आपका जो रिलीजियस अगर कोई व्यूज़ है आपका तो वो चेंज हो, क्या इस तरह कुछ आपको लगा कि पूरा सेमेस्टर में ये कोशिश चल रहा है, या सिर्फ एक दो क्लासेस में जहाँ पर इस तरह के टॉपिक्स होते थे उसी में इस तरह की बातें होती थी? सर टॉपिक्स उस तरह कुछ नहीं होता था, मतलब वो टॉपिक को लाते थे, टॉपिक को लाके मतलब उस पर बोल रहे थे। सर एक पॉलिटिकल क्लासेस में हम यही बोलते हैं सर, पॉलिटिकल क्लास में राम मंदिर, ये मंदिर, ये सब टॉपिक तो आना ही नहीं चाहिए, हिंदू ये सब कोई रिलीजियस मैटर तो आना ही नहीं चाहिए, वही बात को उठाते हैं, वही बोलते हैं एक कलावा वाला बात, तिलक वाला बात, ये सब तो सबको पता है कि पॉलिटिकल इस सब में नहीं होता है, वही मतलब बात को उठाता है, और एक बार नहीं वो अनेक बार, मतलब ये नहीं कि बार बार, मतलब अनेक बार कोई भी क्लासेस के दौरान, और हर बार वो क्लासेस के दौरान ही हुआ है, और हर बात तो क्लासेस के दौरान ही बोला गया है ये बात। तो सिद्धांत राय से जानना चाहेंगे, सर हम सब जानते हैं आप भी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे, और सीमा जी जो यहाँ पे है वो भी जो है लॉ कॉलेज के स्टूडेंट ही थी, तो आप बताइए आपने भी पॉलिटिकल साइंस का एक क्लास अटेंड किया होगा, क्या आपके टाइम में इस तरह के जो नेशनल इश्यूज़ हैं जिसको लेके जो है पूरे नेशन में दंगे भी हो चुके हैं, एंड उसके बाद फिर कोर्ट ने एक जो है सॉल्यूशन भी निकाला है, उसके बाद जो है अब वो सॉल्यूशन जो है इम्प्लीमेंट भी होने वाला है, तो इस तरह के जो मैटर्स जो सॉल्व हो चुके हैं क्या ये कभी उठे हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, अगर डिस्कशन हुआ भी है तो क्या इसमें कोई कम्युनल एंगल निकाला गया है, या हेल्दी डिस्कशन हुआ था आपके टाइम? वैसे मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, अभी लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो जब हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया गया था तो जब हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया गया था उस समय मतलब वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का समय था, तो क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक बेसिक सब्जेक्ट है जो लॉ से पहले पढ़ाया जाता है, और उसमें मेनली पॉलिटिकल थ्योरीज होते हैं और पॉलिटिकल ओपिनियन वगैरह भी विषय आते हैं, मगर उससे बोलने का, उसे पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, मतलब आप अगर पॉलिटिकल ओपिनियन के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री छोटा सा नहीं है, कैसे सरकार बदलती है, कैसे इमरजेंसी आता है, इमरजेंसी के बाद कैसे तख्ता पलट होता है, आप इन सभी, क्योंकि एग्जांपल्स की कमी है क्या, इसके बाद बहुत सारे आंदोलन हैं, बहुत सारे विषय हैं, उन सभी को बेस बना करके हमारे पहले जो हमारे प्रोफेसर्स थे उन सभी विषयों को बेस बना करके बताते थे, ये इसीलिए इस तरह कर रहे हैं क्योंकि आप इनकी विचारधारा का जो एक स्ट्रीम जा रहा है उस स्ट्रीम को आप नोट करिए, ये मतलब केवल एक स्टूडेंट्स की जो बुद्धि है उसको एक दिशा में लेकर जाने का काम कर रहे हैं, मोदी मुर्दाबाद तो बोलते हैं और ऐसे एंटी नेशनल और सांप्रदायिक बात करते हैं, ये उनका जो थॉट प्रोसेस है उसको उग्रवादी बनाना चाहते हैं, इनका हर लेक्चर में इस तरह का विषय होता है, तो इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं, और क्योंकि उनका जो सिंगुलरली ये जो स्टेटमेंट था मोदी मुर्दाबाद वो सिंगुलरली गलत था, तो उसका हम लोग करीब तौर पे निंदा करते हैं, और वो हमारे पास एज अ प्रूफ है, जैसे कि शरण शिवा मैंने अभी बताया कि उसके बाद ओपिनियन चेंज होगा या नहीं होगा, ओपिनियन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का चेंज है क्योंकि वहाँ पे उनका प्रोफेसर का इन्फ्लुएंस आ जाता है, प्रोफेसर ये मार्क्स वगैरह की बात करते हैं, और खुद एक स्टूडेंट्स के मुँह से हमने सुना है कि सर फेल होने वाले बच्चे को भी 2 मार्क्स ज़्यादा दे देते, तो ये सारा विषय है, तो स्टूडेंट्स उस जगह में तब पलटेंगे जब इस प्रकार का विषय होगा, यहाँ पे चेक करने वाली ये चीज़ है कि ऑडियो सही है या नहीं है, ऑडियो में कंटिन्यूटी है या नहीं है, हमने जो ऑडियो रिलीज़ किया है उसका जांच हो, और हम 100% ये बोलते हैं कि ऑडियो में कंटिन्यूटी है, ऑडियो बिल्कुल भी डॉक्टर्ड नहीं है, और ऑडियो में आवाज़ उनका है, ये खुद इनके क्लास में भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो
ऑडियो की जांच हो, ऑडियो के बेस में पूरा मतलब टेक्निकली ये इशू डील करके इसे एक कंक्लूजन तक लाया जाए। ओपिनियंस तो क्या है, हम जनतंत्र में हैं और कॉलेज में इन सभी बाकी जो एडिशनल इन्फ्लुएंस जो है ये भी मैटर करता है स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर पढ़ाई के साथ साथ फैकल्टीज़ का प्रेशर, फिर फैमिली का प्रेशर कि तुम सामने मत आओ, तुम्हारा मार्क्स वगैरह रहेगा, ऐसे बहुत सारे चीज़ स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करते। तो ओपिनियन बेस्ड नहीं होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए कोई भी इंक्वायरी कमेटी या कोई भी चीज़ का कंक्लूजन। सीमा जी, आप भी स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो प्रोफेसर का जो टीचिंग का तरीका है, शायद उनका तरीका अलग हो और शायद उनका इंटेंशन ये ना हो कि जो है स्टूडेंट्स को भड़काया जाए, और शायद उनका ये इंटेंशन ना हो कि पॉलिटिकली उनको इन्फ्लुएंस किया जाए किसी एक तरफ, और उनका तरीका ही ये हो पढ़ाने का, और इसी स्टाइल से वो जो है आज तक पढ़ाते आए हो और उनको लगता हो कि इस स्टाइल से पढ़ाने से शायद वो स्टूडेंट्स को जो है बेटर समझा सकते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि मैं अभी फाइनल मैंने एग्ज़ाम लिखा है जस लॉ कॉलेज से, इससे पहले भी हमारे एक प्रोफेसर थे जो पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाते थे, वो भी उन्होंने भी जो है वो दिल्ली से पीएचडी करके आए थे, और उनका जो तरीका था बहुत सही था, उनकी भी विचारधाराएं थोड़ी सी अलग थी, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी ऐसे पद लोग या कोई भी ऐसा धर्म के अगेंस्ट उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने भारत की जो हिस्ट्री है, चाहे वो मुग़ल काल से जो है मेडिवल हिस्ट्री हो गया या मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसके एग्ज़ाम्पल्स को लेकर, उस समय जो सिचुएशंस आए उसको लेकर हमेशा से एग्ज़ाम्पल दिया है। और जैसे पब्लिक ओपिनियन एक सिर्फ एक ही यूनिट है, वो भी एक सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में, तो मुझे नहीं लगता कि एक पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर जो पीएचडी कर किया है उसको उस एक यूनिट के लिए हर सेमेस्टर में उनको रिपीट करना पड़े, क्योंकि एक यूनिट का सवाल है, हमारा हर सेमेस्टर में 9 यूनिट होता है पॉलिटिकल साइंस में, तो मीन्स आप 9 यूनिट को छोड़ के सिर्फ एक यूनिट पर ध्यान देते हो पब्लिक ओपिनियन, और बच्चों के माइंडसेट को वो पूरी तरीके से जो है वो बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 18 से 23 22 साल ये एक ऐसा एज होता है जहां लोग का दिमाग जल्दी से बदलता है और वो गलत दिशाओं में जल्दी प्रभावित होती हैं, और इनकी मानसिकता बता रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। आप राष्ट्रवाद की नहीं बात करते हो, आप इंडिया कैसे डेवलप्ड होगा वो बात नहीं करते हो, आप खाली घूम फिर के वही नाम वही चीज़ भारत की संस्कृति को बुरा भला कहना। इससे पहले के जो हमारे लेक्चरर थे वो भी डिबेट कॉम्पिटिशन्स करवाते थे, वो भी डिबेट्स करवाते थे, लेकिन वो इन विषयों पर बात नहीं करते थे, वो बात करते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी का LGBT का जो लॉ आया था वो सही है कि नहीं है, CA जो बना वो सही है कि नहीं है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या सुधार हो सकते हैं। अगर आप ऐसे विषयों पर बच्चों से बात करोगे तो उनका दिमाग बढ़ेगा, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, वो कुछ नया करेंगे, लेकिन आप वो कम्युनल बातें करेंगे, आप एक पर्टिकुलर जो कि अभी वर्ल्ड लीडर कहता है उनके नाम के मुर्दाबाद लगाओगे, उनका मानसिक विकास तो नहीं होगा, बल्कि वो पर्टिकुलर चीज़ में वो घूमते रहेंगे, तो ये चीज़ ना हो। तो सर, आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा जिसका आपने आंसर नहीं दिया, क्या जो सिर्फ मोदी मुर्दाबाद के नारा वहाँ पे लगे थे या दूसरे लीडर्स का भी, क्योंकि आपके क्लासमेट्स का कहना था कि अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया गया था एंड ममता बनर्जी का भी नाम लिया गया था, उन्होंने जो है बकायदा ये मीडिया में आके आपके क्लासमेट्स ने कहा, तो सिर्फ मोदी मुर्दाबाद का नारा लगा था कि बाकियों के नाम का भी नारा उन्होंने लगा के एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया था? सर, उस समय जो जब क्लास चल रही थी जो सर का ओपिनियन था वो मोदी मुर्दाबाद के ऊपर था, और रही बात आपने जैसे मेरे क्लासमेट लोगों ने कहा कि जो भी नेता आप किसके नाम बोली, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इनका नाम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, वो जो भी राजनेता दल के हो वो कोई भी स्टेट को रिप्रेजेंट करें, कोई भी स्टेट या कुछ भी हमारे गवर्नमेंट की है, भले ही हमारा उनसे हम उनकी पार्टी के ना हो या कुछ के भी हो, हमसे उनका आइडियोलॉजी पसंद ना हो, तो भी हमारे देश की हम कैसे उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं? नहीं, ये नहीं कैसे बोल सकते हैं वो अलग बात है, नहीं बोल सकते वो अलग बात है, बोला था कि नहीं वो पूछ रहा हूँ। बोले थे तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया था? नहीं, उस समय उनका नाम नहीं लिया था, उस क्लास में नहीं लिया था, बाकी का भी लिया था, बाकी क्लास में उनका नाम लेके मुर्दाबाद का नारा कभी लगा था? नहीं, उनका इसमें नहीं लगा था, मतलब सिर्फ मोदी के बारे में लगा, मोदी के बारे में उस क्लास में लगी थी। तो सर, आपके क्लासमेट्स आपसे पूछना चाहेंगे, आपके क्लासमेट्स जो आके ओपनली बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी का भी नाम लिया था, अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया था, सिर्फ मोदी का नहीं लिया था, एक एग्जाम्पल था,
तो क्यों वो आके मीडिया के सामने इस तरह से जो है आपकी बातों का अपोज कर रहे हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं कि यही लगा था, तो क्यों वो अपोज क्यों कर रहे हैं, और उन्होंने जितना भी बातें कही थी क्यों वो आके इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, अगर क्लास में ऐसा हुआ है सच में तो क्यों उनको अपोज करने का ज़रूरत पड़ रहा है इन सब चीज़ों को? सर ये तो हम ये बोलते हैं कि ये तो सर को मतलब हम लोग सर के फेवर में बोल रहे हैं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर का फेवर में बोल रहे हैं, सर को डिफेम करने मतलब फेवर में बात कर रहे हैं। हम भी क्लास में थे, ऐसा और भी कोई नेता कुछ भी और किसी का भी नाम वहाँ में नहीं लिया गया उस दिन जब रिकॉर्डिंग हो, उसी दिन खाली एक पर्टिकुलर आदमी का नाम लेके नारा भी लगाया गया। हम ये मानते हैं सर, हम भी मौजूद थे, अगर उनसे उनका क्या विचारधारा अभी उनसे पूछना पड़ेगा। अभी तो हम ये बोल सकते हैं वो सर को सर का फेवर में बात कर रहे हैं, इसीलिए मीडिया के सामने आकर ये बोल रहे हैं। मैं इसमें बोलना चाहूँगा जी, अगर स्टूडेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रोफेसर जो थे वो केवल मोदी जी को छोड़ करके किसी और राजनेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, तो विद्यार्थी परिषद इस जगह में ये कहती है कि अगर वो किसी भी नेता के प्रति अगर इस प्रकार का विषय बोलते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता के प्रति अगर वो मुर्दाबाद या जिंदाबाद भी हो, आप क्यों किसी को पर्टिकुलरली अपने लेक्चर्स के समय आप सपोर्ट करोगे? आप मुद्दों पे बात करिए ना। विद्यार्थी परिषद अगर वो भाजपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो या किसी का भी कोई भी दल का नेता हो, हम एक राजनैतिक संगठन से आते हैं, गैर राजनैतिक संगठन से आते हैं, हम ये चाहते हैं कि कॉलेज का माहौल एक शैक्षणिक माहौल हो, कॉलेज का माहौल एक एजुकेशनल माहौल हो, वहाँ पर राजनीति ना हो। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है तो ये कॉलेज में कॉलेज यूनियंस के और कॉलेज के डेवलपमेंट के ऊपर में इस पर चर्चा होता है, इसमें ये सभी नेशनल लीडर कहाँ से आ गए, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ से आ गई। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर वो सर इस प्रकार से दूसरे लीडर्स को भी ऐसे डिस्कशन में लेके आते थे तो हम इसका भी उतना ही कड़ा विरोध करते हैं जितना मोदी जी के नाम पे ये जो पूरा मुद्दा है इसमें जितना विरोध करते हैं। बाकी और कोई प्रश्न हो तो आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि मैं लगभग सभी लेक्चर को जो है रिकॉर्ड करता हूँ, तो जैसे सर ने बताया कि कुछ मतलब जो ओरिजिनल बातें कर रहे थे सर, कि मतलब वो किसी को मांस खाने के लिए बोल रहे थे या हम खा रहे हैं आप भी खाइए, तो क्या ये चीज़ आपके रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं हुआ था? सर क्लासेस चल रही तो रिकॉर्ड हुई थी सर, और मैंने उसको सिर्फ उस क्लासेस की नोट्स चाहिए होगी तो मैंने सिर्फ उस क्लासेस की नोट्स दी थी उसको। और क्या, और जैसे कि आपने कहा मांस खाने की बात थी, उसका भी रिकॉर्डिंग पूछता था नोट्स के तहत, ओनली फॉर स्टडी पर्पस पूछता, तो मैं वो भी शेयर करता था सब स्टूडेंट्स को। तो लेकिन जैसा अभी मोदी मुर्दाबाद जो नारा लगा जी, तो ये भी तो स्टडी मटेरियल नहीं था, ये क्यों आपके पास रह गया और वो क्यों नहीं रहा आपके पास? नहीं रहा, नहीं, वो मटेरियल भी अभी भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि उस समय मेरे पास सारा मटेरियल्स था और मैंने सिर्फ मोदी मुर्दाबाद वाला रिकॉर्डिंग शेयर नहीं किया था, उसके साथ जो भी नोट्स थे वो भी शेयर किया था। तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना, जब अगर भाई साहब ने जो बताया कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि आप ये खा सकते हो वो खा सकते हो, जैसे बताया कि हिंदू ही इसमें काम करते हैं, तो नहीं बताए थे? नहीं, आपने बोला था, अभी आपने बोला रिकॉर्ड है, आपने भी बोला रिकॉर्ड है कि इसमें आप हिंदू लोग ही काम करते हैं, तो हम लोग खाने में क्या है, हम खाते हैं आप भी खाइए, ये बात बोले थे। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड होगा आपके पास, ये अगर ये रिकॉर्ड आप दे देते तो सर को तो तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाता था, ये रिकॉर्ड आपके पास क्यों नहीं है? सर रिकॉर्ड रहती थी सर, क्योंकि अभी ये बात आज की नहीं है सर, आज या कल परसों की नहीं है ये बात। एक मिनट जी सर, आज या कल परसों की नहीं है, नहीं। तो ये मुद्दा आज क्यों उठा? अगर मैं जैसा सुन रहा हूँ ये लगभग एक साल पुरानी बात है, तो ये मुद्दा आज उठने की वजह क्या है? सर ये मुद्दा एक बार उठती तो रहने देते थे, मगर ये मुद्दा कंटिन्यू उठ ही रही है, एक बार मोदी मुर्दाबाद, एक बार तिलक के लिए, एक बार जो करावा बांधते उनके लिए, तो ऐसा चलते कि कितना दिन तक ऐसा चलने देते, तो एक ना एक दिन उठाना। सर आपके पास अभी सिर्फ जो है एक ही मुद्दे का आपके पास रिकॉर्डिंग है, हाँ। तो आपने कहा कि मैं हर रिकॉर्डिंग करता हूँ, हर क्लास की रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो बाकी का रिकॉर्डिंग आपके पास क्यों नहीं है? तो क्या, और एक बात,
उन्होंने कहा मोदी मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, या ये तो नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी कई सारे मोदीज हैं, आप इसमें बात कर सकते हैं ना। आप क्या इसको जानबूझकर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं सर, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को? बोलिए, आप बोलिए प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद जी, जो मोदी मुर्दाबाद बोले, आप कितने मोदी को जानते हैं? मैं बहुत सारे मोदी को जानता हूं। जानते हैं बहुत सारे मोदी को, मगर जो क्लास ओपिनियन चलता है वो तो कोई चाय वाला, मतलब जो रास्ता में काम करता है वो मोदी को तो नहीं बताने वाला, वो ऑब्वियस बात है सर। उन्होंने सर मोदी मुर्दाबाद कहा, हाँ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद तो नहीं कहा, कई सारे मोदी है, नीरव मोदी है, और भी कई सारे मोदी है जो भाग्य है, उनके बारे में भी बोला हो सकता है। आप लोगों ने इसको इस तरफ क्यों खींचा? एक मिनट, आप यहाँ लाइए, आप गूगल में मोदी लिखिए, किसका चेहरा आता है पहले आप बताइए। हाँ, आप गूगल में मोदी लिखिए, किसका चेहरा आता है, और पॉलिटिकल साइंस में कौन है मोदी? पॉलिटिकल साइंस अगर सब्जेक्ट है तो मोदी यहाँ पे कौन है? और स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्टूडेंट्स वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, और स्टूडेंट्स जब वहाँ पे उपस्थित रहते हैं तो चर्चा कौन कहाँ से किस तरफ में जा रहा है ये बात होता है। भारत में अगर मोदी शब्द आता है तो पूरे देश के मन में एक ही व्यक्ति का चेहरा आता है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, फिर उसके बाद नीरव मोदी और जो भी मोदी है वो आता है। और इसके साथ में जहाँ तक कि ये ऑडियो का विषय है, ऑडियो मुझ तक 21 अगस्त को पहुँचा, और शरण शिवा को भी ये बात नहीं पता थी, ये बात उसके बाद उसे पता चली कि ये ऑडियो वायरल हो चुका है, और वायरल होने से पहले वो मुझ तक पहुंचा, और फिर हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से इस ऑडियो का कंडेम करते हुए उसे अपने प्लेटफॉर्म्स में डाला। तो जहां तक ऑडियो का विषय है, ऑडियो पुराना हो मगर ऑडियो में जो स्वर है वो उन्हीं प्रोफेसर का है, और ऑडियो में जो कुछ भी कहा गया है वो अगर आजकल की बात हो, अगर वो इससे ज़्यादा पहले की बात हो, तो उन्होंने ये क्लास के दौरान ही कहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के, क्योंकि इनको तो नहीं पता था कि इस प्रकार का विषय आगे आएगा। तो जब ये इनका सेमिस्टर ख़त्म हो गया तो इनको शायद से ज़रूरी नहीं लगा होगा कि सभी ऑडियो रखे, क्योंकि इनका इंटेंशन अपने सर को फंसाने का नहीं था, ये मैं इनके तरफ से बोलना चाहता हूँ। और इनका एक पर्सनल विषय भी है शरण शिवाजी का, कल जब इनको, आप इन्हीं से जान लीजिएगा, कल जब ये कॉलेज गए तो 2-3 दिन बाद ये कॉलेज गए, और कल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उन प्रोफेसर्स से इन्फ्लुएंस थे उन्होंने इनको घेर लिया और इनको मैनिपुलेट किया, और इनको पैनिक अटैक आ गया था। आप अगर चाहेंगे तो इनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी हम रिलीज़ करेंगे, वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने फ्रेम में शो कर सकते हो। तो इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है जहाँ से ये वीडियो रिलीज़ हुआ, और अनइंटेंशनली ये वीडियो इनके यहाँ से गया, क्योंकि इन्होंने लेक्चर शेयर करने के भावना से अपने दोस्तों को दिया था। और जब हमारे संज्ञान में ये विषय आया और हमने सुना कि इस प्रकार का जहरीला भाषण वो अपने लेक्चर्स में दे रहे हैं, तो वो वीडियो को लेकर हम जनमानस के सामने आए। तो ये पूरा विषय है। अभी अगर आप चाहते हैं तो शरण शिवा भी आपको बताएंगे कल इनके साथ क्या हुआ। आप लोग ये गलत फहमी मत रहिए कि मैं सर का सपोर्ट करता हूँ, मैं सर को जानता भी नहीं हूँ, जो ऑडियो निकल के सामने आ रही है उसी के बेस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, इससे पहले कोई क्वेश्चन पूछे सर, जैसे कि आपने बताया क्या ये वीडियो अभी क्यों आया, ये वीडियो शेयर हो चुका था 3rd सेमेस्टर में, और मेरा सर का साथ कोई भी पर्सनल इशू नहीं था, मैंने कहा भी था कि मेरा और सर का आइडियोलॉजी अलग अलग है, और बहुत सारे टाइम क्लासेस हुआ है, और जितना भी क्लासेस हुआ है वो क्लास के दरवाजा तक ही हुआ है, उससे बाहर आज तक ना गई ना कभी जाएगी। और ये मैटर जो है, मेरा कोई इंटेंशन कभी था ही नहीं कि सर को मैं ऐसा फंसाना चाहता हूँ, फॉर जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ मैंने रिकॉर्डिंग किया, और जिसने स्टडी पर्पज़ से पूछा बस मैंने उनको शेयर किया, और मुझे ऐसा बिल्कुल पता भी नहीं था कि कभी इन फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी, और मुझे ऐसा कभी इंटेंशन था ही नहीं कि सर से, क्योंकि मेरा और सर का पर्सनली बहुत अच्छा संबंधी है, और ऐसा मेरा सर का और कोई जानी दुश्मनी थी नहीं कभी, और ना थी, ना कभी है, ना कभी रहेगी। और इसलिए मैंने अपना जो बोला इससे पहले उसमें मैंने कहा भी था कि जो भी सोल्यूशन आए इस मैटर में वो पॉजिटिव वे में आए, सर के हित में भी आए तो भी मैं उनको मानूंगा, और सर के खिलाफ में भी आए तो भी मैं उनको मानूंगा। और मैंने ये भी बताया था कि सर ABVP के खिलाफ मतलब साथ में आए, या सर के साथ में जो
सोल्यूशन आए, मैं उस सोल्यूशन को मानूंगा। और ऐसा कोई कभी इंटेंशन था ही नहीं मेरा कि सर को ऐसा फंसाएगा, और मेरा कोई इंटेंशन था भी नहीं कि मैं इसको ऐसा शेयर करूं, कभी ऐसा होगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होने वाला है। और ये वीडियो शेयर होने के बहुत देर बाद ही मुझे पता चला कि ऐसा वीडियो बनी है। यही नमस्कार। किसी का भी माइंडसेट और किसी की भी आइडियोलॉजी रातों रात बदलती नहीं, और उनका तरीका तो बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो दो साल से ये स्टूडेंट्स उनके क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो जैसे वो इनके क्लासेस में कर रहे हैं वैसे वो जो अभी के बच्चे आएंगे उनकी भी मानसिकता को बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये एक मानसिकता को जो नेगेटिवली बदला जा रहा है उसको रोकने का प्रयास है कि बच्चों के दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें आए, नेगेटिव चीज़ें ना आए, और वो कैसे मानसिक तौर पर उनका विकास हो उसकी बात होती है। ऑडियो कभी कभी हो, कभी कभी आए, अभी भी वो पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का लेते हैं, मतलब जो बातें वो ये क्लासेस में करते हैं वो आने वाले क्लासेस के बच्चों में भी करेंगे, क्योंकि तरीका बदलता नहीं। आप एक क्लास से दूसरे क्लास जाओगे तो एकदम डिफरेंटली नहीं पढ़ा सकते वही सब्जेक्ट दूसरे क्लास को, वही तरीका अपनाओगे आप। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सर जैसे कि बताए थे अभी जैसा प्रॉब्लम हो चुकी है, और ये प्रॉब्लम क्लास के अंदर या कॉलेज के अंदर नहीं रही, अब आप मीडिया के सामने आ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ चुके हैं, सबके सामने आ चुकी है। अभी जैसी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी फैसला देगी मैं उनके साथ रहूँगा, और जो भी मेरे साथ है उनके साथ रहेंगे। अभी सर के खिलाफ में भी आती है तो भी चलती है, और नहीं आती भी तो भी चलती है। और रही बात क्लास की मैटर की, क्लास में जैसे भी चलती है, हमें क्लास में एक भाईचारे के साथ रहनी है। और मैं ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं था कि मैं कोई दुश्मनी क्लास में लड़ सकूं, और बस यही कहना चाहता हूं। और जो भी मैटर जल्दी सॉल्व हो जाए। सवाल ये जी, कॉलेज में जब ये मुद्दा या फिर आप लोगों के नज़र में था कि सर ऐसे आमतौर पर हाँ लेक्चर के दौरान ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कर रहे, हो सकता है कि उनकी मानसिकता ना हो, लेकिन आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये ऐसे कर रहे हैं तो ये बुरी बात है, तो क्या कभी स्टूडेंट्स जो है आप लोग वो संगठित तौर पे कभी उस लेक्चरर से उनसे बातचीत की विषय पे आप लोग? सर संगठित तौर पे तो बातचीत, ये हमें लग रहा है ये गलत दिशा में जा रहा है आपका ये लेक्चर देने का तरीका, कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है, बातचीत नहीं सर। सर ये मैं बोलना चाहता हूँ, हमने हमारे जो प्रधानाचार्य है प्रिंसिपल सर को भी हमारे फर्स्ट लास्ट टाइम हमने कुछ मिले थे कुछ दूसरा प्रॉब्लम के लिए, मैंने खुद पर्सनली सर को ये इंटेन किया था, सर आपका कॉलेज का एक फैकल्टी है मैं उनके बारे में कंप्लेन बोलना चाहूँगा कि इस तरह आपत्तिजनक, मतलब लेक्चर से हट के, मतलब टॉपिक से हट के कुछ टॉपिक में बातचीत कर, यानी मैंने प्रधानाचार्य को भी ये मतलब आग्रह किया था, और एक बार नहीं दो बार हुआ था। हमारे सिद्धांत भैया भी एक बार बोल चुके हैं, अभी वो बोले हैं ये बात को। मैंने पर्सनली कन्वे किया था प्रिंसिपल सर को कि इस प्रकार से मतलब जो हेटरेड फैला रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में और इस प्रकार के मुद्दे पे वो चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ को सुना और सुन करके कहा कि ठीक है हम इस चीज़ को देखेंगे, मगर इसके बारे में मुझे पता नहीं कि उन्होंने उस प्रोफेसर को बुला करके इसकी चर्चा की या नहीं की, मगर इसके बाद भी उनका ये जो रवैया है स्टूडेंट से को लेक्चर देने का ये बदला नहीं, और ये जैसे कि ये बदला नहीं, और जब हमारे हाथ में ये ऑडियो आ गया तो हमने सोचा कि अभी तो सारी सीमाएं पार हो चुकी है और हमारे हाथ में अभी एक ठोस सबूत भी है, तो वो सबूत को लेकर हम सामने आए। ये हम अपना दुर्भाग्य समझेंगे कि जो गौ मास वाला विषय था, जो राम मंदिर वाला विषय था, इस सभी का ऑडियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मगर जो विषय मोदी मुर्दाबाद का है ये विषय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे हाथों में सबूत है। और अगर कोई प्रश्न हो तो